राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, साथ ही साथ शहीद परिवारों के आश्रितों को 50-50 लाख का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को नए कृषि कानून से इतना प्रेम क्यों है? यदि किसान इस निरस्त करने की मांग करते हैं तो सरकार को इसमें क्या हर्ज है? इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि इस नए कृषि कानून के जरिए किसानों का शोषण अनुबंध करने वाली कंपनियों द्वारा किया जाएगा। फार्मिंग सेक्टर में आने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार किसानों के हित को रौंदने में जुटी है। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की प्रतिबद्धता हमेशा से ही किसानों के कल्याण एवं किसान आंदोलन के समर्थन में रही है। उन्होंने अपने केंद्रीय कृषि मंत्री कार्यकाल के दौरान किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया और किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर करीब 1,00,000 करोड़ रुपए कृषि ऋण माफ करवाए थे तथा किसानों को सहूलियत दी, लेकिन मौजूदा सरकार किसानों को झूठे सपने दिखाकर सत्ता तक आ गई। उसके बाद उद्योगपतियों की हितेशी हो गई है। हम भारत सरकार से जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके मृतक आश्रितों को 50-50 लाख रूपए और उनके परिवार से एक व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा नौकरी देने की मांग एनसीपी करती है। इसके अलावा हम लोग किसानों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो इस आंदोलन को अहिंसक रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस आंदोलन को जो बड़ा अहिंसक और धैर्य के साथ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है का सम्मान करना चाहिए और किसानों की मांगों को अविलंब मानकर इस किसान आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।